नाजरीन आपको मैंने ये बताना था कि ये देख रहे हैं आप हाथ और दोनों ये पाँव मेरे लिंक नहीं है और ये आर्टिफिशियल टांगे लगा के मैं बैग भी चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी ज़िंदगी आपके सामने मिसाल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन, आप ठीक हैं, खैरियत से जहाँ की हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया आखिरत की भलाई दे, सानिता फरमाए और जो प्यारे दुनिया फानी से जा चुके हैं अल्लाह उन सबकी मकफ़रत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और जो बीमार अल्लाह सेहत दे, शफा दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम जायज़ातें पूरी कर दे। नाजरीन मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैं जिस दरख्त के पास मौजूद हूँ, ज़रा हम आपको करीब से दिखाएंगे, ये टानी पकड़ ली है हमने तो इसके ऊपर जो ना ये जो लगे हुए हैं ये देख रहे हैं आपके सामने, ये एक सब्ज़ी का दरख्त है और इस पर सब्ज़ी लगती है और माशाल्लाह बड़े खाने के काबिल होती है, बहुत प्यारी और ज़बरदस्त। तो मैं एक और रास्ते से आया था और जिस रास्ते से अब हमने वापस जाना था घर की तरफ जाने के, अब यहाँ से हमारे घर का सफ़र 1 किलोमीटर का है, जबकि अब मैंने दूसरी साइड से घूम के जाना पड़ेगा मुझे 1 और 2 3 और 5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि जिस साइड से मैं हूँ उधर से 1 किलोमीटर जिधर मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जो है ना पानी की वजह से आगे रास्ता जो है ना खाल के बीच में पानी है, पुल नहीं है वहाँ पर, तो मेरे लिए गुजरना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि मैंने अब जो है ना वो मजबूरी है 5 किलोमीटर वाला सफ़र जो है जिसमें इजाफी 4 किलोमीटर सफ़र मुझे इजाफी करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर तो ये तो है ही है, लेकिन दूसरी साइड क्योंकि मैं आया हूँ वैसे भाई चांद किसी इलाके का काम किया हुआ था उधर से, मैंने कहा सोचा कि यहाँ देखते हैं अगर ये सब्ज़ी खाने के काबिल है तो तोड़ेंगे, लेकिन ये सब्ज़ी खाने के अभी काबिल नहीं है, कुछ दिन इंशाल्लाह ये खाने के कुछ दिनों के बाद खाने के काबिल हो जाएगी और कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि हम आपको खाल दिखाते हैं और रास्ता दिखाते हैं, जिस वजह से मैंने अब उधर से गुजरना मेरे लिए मुश्किल है, अब किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा, आपको वो हम दिखाते हैं कौन सी जगह है। नाजरीन आप ये देख रहे होंगे ये जो दरख्त है सामने, ये सब्ज़ी का दरख्त है, इसका नीचे मुंडा है ज़मीन के बीच में के अंदर और उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ दरख्त जो जा रहा है, ये सब्ज़ी का दरख्त है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ कि होता है कि नहीं होता, ये देखिएगा जो फूल फूल हल्के से हल्के वो नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पे तस्वीरें असल में हिलती है एक जगह रुकती नहीं है अभी, यानी कि ये तैयार नहीं है, खाने के काबिल नहीं है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वापसी फिर हो गया ये सूरत हाल, और मेरा जो है अहमद वो ऊपर चढ़ने लगा है, अहमद ऊपर नहीं चढ़ो भाई, वो नीचे उतर आया जी, ये आपके सामने हैं, मैं आप जो है ना बाकी आपको मुकम्मल तफसीलत बताते हैं। तो नाजरीन अब ये देख रहे हैं आप पानी यहाँ से लेकर वहाँ तक कितना ये पानी है, और यहाँ से गुज़रना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी जो है ना सेंसर के अंदर से जाएगा और टायरों को नुकसान, सेंसर के अंदर यानी कि डूब जाना है सेंसर के बीच में, इसलिए कि मैंने अब यहाँ से गुज़रना नहीं है, ये आपके सामने मैंने आपको दिखा रहा था, क्योंकि अब मुझे यहाँ से अगर ऐसे जाता सीधा यूँ घूम के तो आगे 1 किलोमीटर का सफ़र है, मैं अपने घर चला जाता, लेकिन अब जो है ना मैंने दूसरी साइड से घूम के जाना पड़ेगा मुझे, यानी कि यहाँ पुल ना होने की वजह से 4 किलोमीटर इजाफी सफ़र करना पड़ेगा, और ये मेरा पीछे बैग खड़ा है आप सामने देख रहे होंगे। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, बाकी दुआ में याद रखना, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।